जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो, अपने घर पे सेफ होंगे। इस टाइम क्वारंटीन आपका क्या चल रहा है बिल्कुल बताइएगा आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा तो और पुलिस मैन, नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आपको पता ही है उनकी वजह से हम कहाँ, मतलब कितने केसेस हुए थे और कितने केसेस अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो बिग थैंक्स टू अवर डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पुलिस स्टाफ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपको पता ही, आजकल आप घर पे हो, क्वारंटीन चल रहा है आपका। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहे। तो आज हम देखेंगे क्या बोलते हैं, जो यू पे ट्रिपल एस सी का जो 746 पोस्ट आई थी उसमें से आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो था आपका सिलेबस, जो यू पे ट्रिपल एस सी हमेशा किसी भी एग्जाम में, चाहे वीपीडी हो, वीडियो हो, या फिर आपका समूह हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें जो आपका पैटर्न होता है आपको पता ही हो क्या पैटर्न है। ठीक है, 40 नंबर की उसमें आपका उत्तराखंड आती है। ठीक है, उसके बाद आपका 40 में मिसलिनियस आता है। ठीक है, मिसलिनियस मतलब आपका जो इसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी आती है। फिर उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है, करंट और कंप्यूटर और रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। और 20 नंबर की आती है हिंदी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, मिसलिनियस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट और ये रीजनिंग। ठीक है, और 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर की हिंदी है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेके आए आपके सामने वो हिंदी का ही है, और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज कभी एवं प्रश्न है। ठीक है, जैसे आप जानते हो हमारे प्रमुख प्रमुख कवि, जैसे उसमें मेरा नाम लेना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आप देखोगे क्या बोलते हैं, सुमित्रा रंजन पंजी है, सूर्यकांत त्रिपाठी हजारा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद आपका शैलेश मटियानी और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और आपका जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नैति शरण गुप्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको रोज, मतलब एक वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा। तो इसी समय में आपको मैं आज पहला टॉपिक दूंगा हिंदी साहित्य कवि एवं प्रश्न का। फर्स्ट टॉपिक है जो वो दूंगा मैं आपको शैलेश मटियानी जी का। ठीक है, तो शैलेश मटियानी जी के बारे में थोड़ा इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, और इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट थी, और क्या इनकी पत्रिकाएँ थी, और क्या इनका जो इनकी रचनाएँ थी। ठीक है, तो मैं इनके अगर जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म होता 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बड़े छीना में। ठीक है, अल्मोड़ा के बड़े छीना में, अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। अल्मोड़ा के बड़े छीना में 14 अक्टूबर 1931 को शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद चलेंगे हम आगे, तो उसके बाद देखेंगे रचनाएं, मैं इनकी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले उनके जो मेन मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो सेकेंड है इनको ना श्रमजीवी साहित्यकार, इनको श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं है, क्या पता रचना ना पूछ के ये पूछ सकता है कि श्रमजीवी साहित्यकार किसे कहा जाता है, तो आपको क्या हुआ, ये शैलेश मटियानी जी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम। ठीक है, इनकी दो पत्रिकाएँ थी बहुत इम्पोर्टेंट, जो पत्रिकाएँ थी इनकी विकल्प व जनपक्ष। ठीक है, दो पत्रिकाएं इन्होंने काम किया था, जो पत्रिकाएं थी इम्पोर्टेंट थी विकल्प और जनपक्ष। ठीक है, उसके बाद इनका एक उपन्यास है बहुत इम्पोर्टेंट, 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब पहला उपन्यास था, एक फर्स्ट उपन्यास। ठीक है, उपन्यास का नाम था बोरी बंदर तक। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, श्रमजीवी साहित्यकार कहा जाता है। ठीक है, पत्रिकाएं थी दो, विकल्प और जनपक्ष, 1959 में इनका ये फर्स्ट उपन्यास था बोरी बली से बोरी बंदर तक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगले में स्टेप में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इसमें जो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार और हिंदी का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है। तो अगर हम चलेंगे तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, अगर मैं उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार की बात करूँ तो वो हमारा शैलेश मटियानी जी। ठीक है, शैलेश मटियानी, यहाँ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है कि क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम में ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार, तो वो हमारा होंगे याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, एग्जाम में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार जाएगा तो शैलेश मटियानी जी। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार का जाएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड जी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब इसके बाद आते हैं इनकी रचनाएं, जो जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। ठीक है, तो
तो रचना में हम देखेंगे पहले इनकी कहानी संग्रह, ठीक है, जो कहानी संग्रह, ठीक है, याद रखना इनका कहानी संग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद इनका कहानी संग्रह में इनकी हम देखते हैं, तो इसमें कहानियाँ इसकी मेरी टैंकिस कहानियाँ, ठीक है। फिर आता है सेकेंड में वर्ष की चट्टानें, ठीक है। फिर आता है तीसरा सुख, ठीक है। फिर आता है नाच मयूरे नाच, भेड़े व गडरिये, प्यास और पत्थर, दूसरों के लिए, और लास्ट में इनका सावित्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, प्रीवियस एग्जाम में देखोगे तो उसमें ये पूछी गई है, ठीक है। और रचनाओं में क्या क्या कि मेरी 33 कहानियां, वर्ष की चट्टाने, तीसरा सुख, नाच मयूरे नाच, भेड़े गडरिये, प्यास और पत्थर, दूसरों के लिए और सावित्री, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके जो इनका बाल साहित्य था, ठीक है। बाल साहित्य भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बाल साहित्य में जाऊँगा मैं, तो बाल साहित्य में इसमें है रानी गौरिया, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग, ये इनका क्या हो गया, ये बाल साहित्य में, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम कि विविध रचनाएं, जो विविध रचनाएं होती है, ठीक है। विविध रचनाओं में हम देखेंगे तो विविध रचनाओं में इसके पास आ जाएंगे क्या बोलते हैं, किसके राम कैसे राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, शरीश मंडाणी जी की रचना, ठीक है, किसके राम कैसे राम, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिज्या और कभी कभार, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे तो एक मिनट प्लीज डालू ना, ठीक है। तो ये इसकी रचनाएं हैं, ठीक है, ठीक है। जो बाल साहित्य में रानी बोले, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग और योग संयोग, ठीक है। विविध रचनाओं में जिसके राम कैसे राम, त्रिज्या, कभी कभार, ठीक है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट तो है, साथ साथ में इसके बाद जो हम आगे चैप्टर लेके चलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कभी रचना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूके ट्रिपलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें देखना आप ही क्या बोलते हैं। अगला आने वाले टॉपिक में चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, और आपका जो मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एक बार रिमाइंड कराया तो आपको हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सरीश मटियानी जी, जन्म 14 अक्टूबर 1931 अल्मोड़ा के बटाचीना में। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो क्या बोलते हैं, श्रमजीवी साहित्यकार इसे कहा जाता है, तो आपका सरीश मटियानी जी। उसके बाद देखेंगे हम कि क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का असली कथाकार तो हमारे सरीश मटियानी जी है, और हिंदी साहित्य का आंचलिक कथाकार तो हमारे कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी, ठीक है। और उसके बाद इनकी रचनाएं देख लेते हैं, बोरीबली से बोरीबंदर तक 1959 में फर्स्ट उपन्यास था, बोरी से बोरीबंदर तक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं बताता हूँ, इनका एक उपन्यास था मुठभेड़, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो उपन्यास, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया, याद रखना ये 1984 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1984 में मुठभेड़ ये उपन्यास था इनका। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या बोलते हैं, ये जो था ये उपन्यास, ये जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों के शोषण पर आधारित था, गरीब लोगों के शोषण पे आधारित, ठीक है। तो ये गरीब लोगों के शोषण पर आधारित था ये मुठभेड़ उपन्यास, ठीक है। तो इसमें देखा आपने क्या बोलते हैं, मुठभेड़ उपन्यास 1984 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, और गरीब लोगों के शोषण पर आधारित था। दो पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, विकल्प और जनपक्ष। और उसके बाद आगे चलिए तो क्या बोलते हैं, कहानी संग्रह क्या था, मेरी 33 कहानियां, वर्ष की चट्टाने, तीसरा सुख, नाच मेरे नाच, भेड़े गडरिये, प्यास और पत्थर, दूसरों के लिए और सावित्री। उसके बाद आगे कि आगे विविध रचनाएं में क्या क्या था, ठीक है, विविध रचनाएं में आपका त्रिज्या कभी कभार, और किसके राम कैसे राम, बाल साहित्य में रानी गौरिया, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगले टॉपिक में मैं आपको सुमित्रा नंदन या फिर मुंशी प्रेमचंद इनके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।